अवैध संबंधों के चलते की गई थी शीला यादव की हत्या, हत्यारों ने ताले बंद बक्से में फेंक दी थी लाश। गाजीपुर के मर्दा थाना के वाराणसी गोरखपुर हाईवे के भवानीपुर गांव के पास 31 मार्च की रात्रि में एक चाय की दुकान पर लावारिस पड़े बक्से में पुलिस ने 40 वर्षीय महिला की हत्या कर फेंकी गई लाश बरामद की थी। पुलिस इस अज्ञात लाश की शिनाख्त हेतु काफी प्रयास कर रही थी, लेकिन लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। 3 दिन मर्चरी हाउस गाजीपुर रखने के बाद भी शिनाख्त न होने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के सर में गंभीर चोट लगने से मृत्यु होने की बात सामने आई। मर्दा पुलिस इस दौरान आधा दर्जन जनपदों में लाश के शिनाख्त हेतु लगातार भाग दौड़ करती रही। 8 दिन बाद मऊ जनपद के सूखा पट्टी गांव निवासी मुन्ना यादव ने उक्त महिला की शिनाख्त अपनी पत्नी शीला यादव के रूप में की तो पुलिस को राहत मिली, लेकिन इस दौरान यह पता लगा कि मुन्ना यादव का शीला यादव से 10 वर्षों से कोई संबंध नहीं है। शीला यादव मऊ के नंदू पोखरा देवपुरवा के पास मकान बनाकर 10 वर्षों से अपने माँ के साथ रहती है। मुन्ना यादव और उसके परिवार से उसका कोई वास्ता नहीं है। उसके चाल चलन के कारण पति और परिवार से कोई वास्ता नहीं था। शीला यादव का कई पुरुषों से संबंध था, इस वजह से परिवार के लोग उससे दूरी बना लिए थे। जांच में यह भी पता चला कि शीला बार बार कहीं बाहर जाती थी, एक दो दिन ही मऊ स्थित मकान पर रहती थी। राजस्थान एवं अन्य स्थानों के कई पुरुष उसके आते जाते थे, जिससे वो अक्सर बाहर रहती थी। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर तफ्तीश की तो पता लगा कि शीला यादव के कई पुरुषों से संबंध थे, उनके यहाँ आना जाना था। शीला यादव का चाल चलन ठीक नहीं था। मोबाइल फोन के डिटेल के आधार पर पुलिस ने मऊ ब्रह्मस्थान निवासी अनूप गुप्ता उर्फ छोटू को पकड़ा तो उसने हत्या की सारी क्राइम स्टोरी खोल दी। अनूप गुप्ता ने बताया उसका शीला यादव सहित कई महिलाओं से संबंध है, उसमें शीला यादव के मोहल्ले की निवासी असगरी बेगम भी है, जिनको वह अपने साथ लेके घूमता था, आता जाता था। ये दोनों महिलाएं ब्रह्मस्थान मऊ स्थित उसके मकान पर भी आती थी। हत्या की सारी क्राइम स्टोरी बयान करते हुए अनूप गुप्ता ने बताया कि शीला यादव उससे बार बार पैसे मांगती थी, 2 लाख से अधिक रुपए उसको दे चुका था। इसके बाद भी उसको परेशान करती, जिससे वो अजी जा गया था। उसने इस मामले में असगरी बेगम एवं देवरिया गांव जिले निवासी पंकज वर्मा को मिलाकर शीला यादव की हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत उसने शीला यादव को मऊ ब्रह्मस्थान स्थित अपने आवास पे बुलाया और तीनों ने डंडे से मारकर पुनः उसका सिर जमीन पे पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद एक टीन के बक्से को खरीद कर उसमें उसकी लाश को बोरे में भरकर ताला बंद करके लाश को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बनाया। लाश को एक टोटो गाड़ी पर रख के बक्से सहित मर्दा क्षेत्र के भवानीपुर कंसहरी गांव के पास भेजवा दिया और भेजवा के वो शांत हो गया। उसका यह विचार था कि शीला यादव का अपने परिवार के लोगों से विवाद है, कोई वास्ता नहीं है, पुलिस तफ्तीश करेगी तो परिवार के लोग ही इस हत्याकांड में फंस जाएंगे, वो और उसके साथी बाल बाल बच जाएंगे। शीला यादव के साथ अवैध धंधे में असगरी बेगम शामिल थी। असगरी बेगम के साथ ही कई महिलाओं लड़कियों का भी यह रिकॉर्ड बना हुआ था, जिसमें अनूप गुप्ता और पंकज वर्मा भी शामिल थे। अनूप गुप्ता द्वारा शीला यादव का हत्या का प्रोग्राम बनाने में यह सोच थी कि शीला यादव का अपने परिवार के लोगों से कोई वास्ता नहीं है, विवाद रहता है, हत्या की घटना होगी तो यह लोग फंस जाएंगे, वो बाल बाल बच जाएगा। वो निश्चिंत था कि पुलिस उसको नहीं पकड़ेगी, उसके परिवार के लोग ही हत्या के मामले में जेल जाएंगे।
मर्दा पुलिस के अथक प्रयास से पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर इस पेचीदे मामले का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में मर्दा थानाध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे एवं मोटेहूं पुलिस चौकी प्रभारी ओमकार तिवारी सहित पुलिस टीम का महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस अनसुलझे मामले का पर्दाफाश कर पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। सही मुलजिम जेल चले गए, निर्दोष बच गए। ग्राम भवानीपुर थाना मर्दा वाराणसी गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग देर रात्रि में बक्से में पड़ी मिली 35 वर्षीय महिला की लाश। इसी बक्से में जो देख रहे हैं सामने पड़ा हुआ है, रात्रि में 11:30 बजे के लगभग एक महिला की लाश इस बक्से में पड़े मिली।